भाई सबसे पहले तो मैं सारे ही सीएसके फैंस से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि कल के दिन जो मैंने वीडियो डाली थी वहां मैंने आपसे ये कहा था कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसकी पहली इनिंग में डैरन मिचेल और रचिन रविंद्र ने बहुत ही बुरे तरीके से सीएसके फैंस को निराश कर दिया, क्योंकि जहां रचिन रविंद्र पहली इनिंग में मात्र 0 रन बनाए तो वहीं डैरन मिचेल ने भी मात्र 11 रन का योगदान दिया। लेकिन भाई इन दोनों ने ही मुझको मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि दूसरी इनिंग में फिलहाल रचिन रविंद्र अर्धशतक जड़ चुके हैं और डैरन मिचेल भी 12 रन बना के नॉट आउट खड़े हुए हैं, योगदान दे रहे हैं अपना। अब ये योगदान कितना लंबा चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ऑलरेडी इस टेस्ट मैच का 4th दिन शुरू हो चुका होगा, तो कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि इन दोनों का योगदान आखिर कितना लंबा चला। खैर उम्मीद करते हैं कि ये दोनों ही इस इनिंग में शतक मारे और चारों तरफ सीएसके फैंस को खुश कर दें। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है इसी बात पे मुझे मेरे एक सवाल का जवाब देना, तुम्हारे हिसाब से आईपीएल 2024 में सीएसके के लिए ज्यादा इंपैक्टफुल या फिर कहें ज्यादा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन डैरन मिचेल की तरफ से देखने को मिलेगा या फिर रचिन रविंद्र की तरफ से? इन दोनों में से कौन सा वो एक प्लेयर होगा जो आईपीएल 2024 में सीएसके के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हुए देखने को मिलेगा? जो भी नाम आपके मन में आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अब आगे बढ़े तो देखो भाई, हमने अक्सर ये बात नोटिस करी है कि लोग स्मृति मंधाना और विराट कोहली को कंपेयर करते रहते हैं, क्योंकि जहां मेंस क्रिकेट टीम में विराट कोहली को किंग बोला जाता है तो वहीं कई लोग वुमेन्स क्रिकेट टीम में स्मृति मंधाना को क्वीन कहते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, दोनों ही आरसीबी के लिए खेलते हैं और जहां एक वक्त पे विराट कोहली आरसीबी के कैप्टन हुआ करते थे तो वहीं करेंटली डब्ल्यूपीएल में आरसीबी की कैप्टन नन अदर देन स्मृति मंधाना ही हैं। लेकिन इन दोनों के बीच भाई एक ऐसी सिमिलैरिटी सामने आई है कि तुम ये कहने पे मजबूर हो जाओगे कि भगवान ने भी जानबूझ के इन दोनों के अंदर एक ऐसी चीज डाली है कि आने वाले वक्त में लोग 100% ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि भाई ये दोनों कहीं जुड़वा भाई बहन तो नहीं है। और भाई मैं सच बता रहा हूं, जब वो बात मैं तुमको बताऊंगा तुम भाई कसम से इतना ज्यादा चौंक जाओगे कि मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। खैर वो तो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता, पर जो कर सकता हूं पहले वो बयां कर दूं कि जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। भाई कितनी बार कहें समझते क्यों नहीं हो, अभी तक जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं भाई पैसा ही पैसा छाप रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है, फ्री में इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। आपको इंफॉर्मेशन उठानी है, मस्त अपनी फैंटेसी टीम बनानी है या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके प्रेडिक्शन करनी है और गड्डियां ही गड्डियां उठानी है भाई, अपन उठाते हैं इसीलिए आपको बताते हैं। भाई जल्दी से जाओ, मौका मिस मत करो, WPL जैसी लीग ना बार बार नहीं आती है और ऐसी लीग में आसान होता है थोड़ा सा कमाना, इसीलिए आपको बता रहे हैं। बाकी WPL के अलावा और भी जो मैचेस चल रहे हैं उनकी प्रेडिक्शन आती है, लेकिन फिलहाल जो WPL में कमाई हो रही है गजब। इसके बाद IPL आएगी, वहां भी प्रेडिक्शंस आती रहेंगी प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन फिलहाल उठाओ WPL का फायदा, जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है, जाके भाई प्रेडिक्शन उठा के मस्त पैसा कमाओ। तो अब मैं आपको विराट कोहली और स्मृति मंधाना के बीच जो वो शॉकिंग सिमिलैरिटी है ना उससे परिचित करवाता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि विराट कोहली ने जब अपना पहला IPL सीजन खेला था ना तो उस सीजन में उन्होंने 0 हाफ सेंचुरीज मारी थी, और वहीं सेम टू सेम स्मृति मंधाना ने भी जब अपना पहला WPL सीजन खेला था तो वहां पे उन्होंने 0 हाफ सेंचुरीज मारी थी। उसके बाद जब विराट कोहली ने अपना दूसरा IPL सीजन खेला तो दूसरे IPL सीजन के तीसरे मैच में उन्होंने अपने IPL करियर की पहली हाफ सेंचुरी जड़ी थी, और वहीं सेम टू सेम स्मृति मंधाना ने भी जब WPL का दूसरा सीजन खेला उस दूसरे सीजन के तीसरे मैच में उन्होंने WPL की अपनी पहली हाफ सेंचुरी जड़ी। अब एक और कमाल की बात सुनो, विराट कोहली ने जो तीसरे मैच में पहली हाफ सेंचुरी जड़ी थी ना, पता है वो हाफ सेंचुरी किस टीम के खिलाफ आई थी? दिल्ली के खिलाफ, और वहीं पे सेम टू सेम स्मृति मंधाना के साथ भी हुआ, उन्होंने जो अपनी WPL की पहली हाफ सेंचुरी जड़ी वो किस टीम के खिलाफ आई? नन अदर देन दिल्ली के खिलाफ। खैर दिल्ली से याद आया कि कल के दिन गौतम गंभीर ने खुद को पूरे तरीके से रिलीव कर दिया है पॉलिटिकल ड्यूटीज से, अब वो पॉलिटिक्स से रिश्ता रखते हुए दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। उसके पीछे उन्होंने रीजन दिया कि वो भाई क्रिकेट पे फोकस करना चाहते हैं,
क्रिकेट खेलने में नहीं, पर क्रिकेट को लेकर जो उनको ड्यूटीज दी गई है, जो उनकी कमिटमेंट्स हैं, जैसे कि भाई आईपीएल आने वाली है मात्र 19 दिन में, तो वहां मेंटर है केकेआर के, तो गौतम गंभीर कह रहे हैं कि पूरे तरीके से वही फोकस रखना है। काफी टाइम हो गया है केकेआर को आईपीएल टाइटल जीते, अब फाइनली उनको उनका तीसरा आईपीएल टाइटल जिताना है। अब इससे आगे बढ़े तो फाइनली मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देना चाहूंगा। भाई कल के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट करा कि ऋषभ पंत को एनसीए के द्वारा 5 मार्च से पहले ही क्लियरेंस मिल जाएगा, यानी एनसीए 5 मार्च तक उनको घोषित कर देगा कि बंदा पूरे तरीके से फिट हो चुका है। उसके बाद ऋषभ पंत पहुंच जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में, वहां जाके तैयारी शुरू करेंगे आईपीएल 2024 की। और कसम से भाई मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं ऋषभ पंत को आईपीएल में खेलते हुए देखने के लिए। क्या आप भी आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत को खेलते हुए देखने के लिए मेरे जितना ही बेसब्र हैं? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बड़ी अपडेट की बात करें तो कल के दिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने लांस क्रूजनर को अपना असिस्टेंट कोच घोषित किया है आईपीएल 2024 के लिए। अब देखो, जैसा मैंने आपसे अभी भी कहा ना कि आईपीएल 2024 शुरू होने में मात्र कुछ 19 दिन बचे हुए हैं, तो आओ एक बार फिर से आईपीएल रिलेटेड एक बहुत ही कमाल की नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूं। मैं आपसे पहले तो यह पूछना चाहूंगा कि यार किसी भी आईपीएल सीजन में वो कौन सा प्लेयर है जिसने डेथ ओवर्स में सबसे ज्यादा विकेट लिए हो? चलो अच्छा मैं ही बता देता हूं। तो इस लिस्ट में 8 नंबर पे आते हैं कगिसो रबाडा, जिन्होंने साल 2020 के आईपीएल सीजन में डेथ ओवर्स में 17 विकेट लिए थे। 7 नंबर पे आते हैं वंस अगेन रबाडा, जिन्होंने साल 2019 के आईपीएल सीजन में 17 विकेट डेथ ओवर्स में लिए थे। 6 नंबर पे आते हैं लसित मलिंगा, जिन्होंने साल 2012 के सीजन में 17 विकेट्स डेथ ओवर में लिए थे। उसके बाद आते हैं नन अदर देन चेन्नई सुपर किंग्स के पथी राणा, जिन्होंने पिछले ही सीजन में डेथ ओवर्स में 18 विकेट लिए थे। 4th नंबर पे आते हैं सुनील नारायण, जिन्होंने साल 2012 में डेथ ओवर्स में 18 विकेट लिए थे। ये नाम भाई मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था, एक स्पिनर है सुनील नारायण, लेकिन उसके बाद भी साल 2012 के सीजन में डेथ ओवर्स में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कोई और नहीं सुनील नारायण था। 3rd नंबर पे आते हैं हर्षल पटेल, जिन्होंने साल 2021 के आईपीएल सीजन में 19 विकेट डेथ ओवर्स में लिए थे। 2nd नंबर पे आते हैं ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने साल 2013 के आईपीएल सीजन में 20 विकेट डेथ ओवर्स में लिए थे। और नंबर 1 पे भी आते हैं नन अदर देन ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने साल 2015 के आईपीएल सीजन में 21 विकेट डेथ ओवर में लिए थे। अब इसी बात पे तुम लोग मेरे एक सवाल का जवाब दो कि साल 2024 के आईपीएल सीजन में वो कौन सा बॉलर होगा जो डेथ ओवर्स में सबसे ज्यादा विकेट लेगा। डेथ ओवर से मेरा मतलब है यहां पे 16 से 20 ओवर के बीच, उन्हीं को डेथ ओवर्स कहा जाता है जनरली भी। और यहां पे मैंने जो आपको स्टैट्स बताए, जो मैंने आपको नाम बताए जिन्होंने एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं, तो यहां पे भी डेथ ओवर से मेरा मतलब था 16 से 20 ओवर। तो इसीलिए आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आईपीएल 2024 में वो कौन सा बॉलर होगा जो 16 से 20 ओवर्स के बीच यानी डेथ ओवर्स में सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम करेगा। जो भी नाम आपके मन में है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि आईपीएल 2024 में ही चेन्नई के लिए डैरल मिचेल और रचिन रविंद्र में से कौन सा वो एक प्लेयर होगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देते हुए देखने को मिलेगा, मतलब दूसरे कंपेरिजन में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। जो भी नाम आपके मन में समय दस्तक दे रहा है कमेंट सेक्शन में जाके उसको लिख दीजिए। बाकी जल्दी से जाके जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कार्ड में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कुछ ही समय में मैच शुरू हो जाएंगे आज के सारे, जल्दी जाइए भाई, टाइम मत वेस्ट करिए। डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कार्ड में लिंक मौजूद है, वहां से सारी प्रिडिक्शंस उठा लीजिए, मस्त भाई फैंटेसी टीम बना लीजिए, प्रिडिक्शन करके पैसा कमा लीजिए। वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।